कभी ठंड में ठिठुर कर देखा है, कभी धूप में जल कर देखा है, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देखा है। विद ग्रेट प्राइड आई वुड लाइक टू इनवाइट एंड वेलकम सर। सर, आई डोंट वॉन्ट टू गो रॉन्ग, बट 39 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ सर्विंग द इंडियन आर्मी मेक्स मी फील सो वेरी प्राउड दैट आई एम एबल टू इंट्रोड्यूस यू टू द वर्ल्ड दिस मोमेंट। Major General Ian Cardozo, AVSM, SM, that's how we introduce. अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा होगा या वो गुरखा होगा। सैम मानिक शॉ के ये शब्द है और आपके लिए बिल्कुल सही बैठते हैं। 1971 वॉर जो पाकिस्तान के साथ हमारी जंग छिड़ी थी, उसमें आप एक यंग मेजर थे उस समय पे सर। और सर, फिफ्थ गुरखा राइफल्स के बारे में बात करना चाहूंगी। आर्टिलरी के बिना जो लड़ाई की है, विदाउट आर्टिलरी कवर, वी फॉट थ्री बैटल्स इन दैट वॉर जी। द फर्स्ट वॉज द बैटल ऑफ अटग्राम। अटग्राम की लड़ाई में तोपखाने की मदद हमको नहीं मिला जी। तो सीओ साहब ने ये विचार किया कि हम लोग नाइट अटैक में जाएंगे जी। और खुखरी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दलदल बहुत थे उस वक्त उस ऑब्जेक्टिव के आसपास में। तो दुश्मन के ये विचार था कि हम फर्म ग्राउंड से अप्रोच में आएंगे, लेकिन इनको असंभव करने के लिए हमने पीछे से आए थे दलदल के बीच में। और मिडनाइट, दिस वाज द लास्ट खुखरी अटैक इन मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री। और उस वक्त उस रात में खुखरी इस्तेमाल करते करते 32 सिर काटा हमने दुश्मन की। तो वो लोग जो बचा भाग के गया। आपको इनके फ्रेंड्स को बताया थे कि डोंट मेस विद द गुरखास, योर लाइफ टू लूज योर हेड। नेक्स्ट बैटल वाज़ द बैटल ऑफ गाजीपुर, विच वाज इन अ टी गार्डन विद वेरी स्ट्रांग डिफेंसेस। वहां भी हमने कैप्चर द ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसमें ट्वाइस ही मरा था और 4 ऑफिसर जख्मी। अटग्राम में 2 यंग ऑफिसर मरा था, तो अभी तो 3 ऑफिसर मरा और 4 ऑफिसर जख्मी, 11 ऑफिसर बचा था। सो वी वेंट इन द फर्स्ट इंडियन आर्मीज हेवी बॉर्न अटैक टू कैप्चर सिलहेट विथ द फर्म नॉलेज। हमको ये खबर मिला कि वहां कोई नहीं है जी। लेकिन जब अब लैंड हुआ था वहां, तो बहुत बहुत गोलाबारी, मशीन गन फायर, मोटर फायर। तो हमने विचार किया कि वो ब्रिगेड यहां से नहीं हटा। तो सीओ साहब ने बोला कि शायद वो लोग वहीं हैं, इसलिए हम एम्युनिशन लेंगे, ज्यादा ग्रेनेड्स लेंगे, खाना पीना हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको ये विचार किया, अश्योरेंस दिया था हायर हेडक्वार्टर्स ने कि 48 घंटे के अंदर ही अंदर रीइन्फोर्स हो जाए। हम नौ रात नौ दिन दुश्मन के साथ लड़ा बगैर खाना बगैर पानी। तो बीबीसी ब्रॉडकास्ट दैट अ ब्रिगेड ऑफ गुरखा सर डैमेजर सेलेक्ट। ब्रिगेड का मतलब 3000 में, लेकिन हमारा नाफी था सिर्फ 582। जब ये लोग सरेंडर करने के लिए आए थे सफेद झंडे के साथ, तो सीओ साहब ने बोला उनको वहीं रोक लेना, क्योंकि इनको मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारा नाफी इतनी कम है। लेकिन हमको भी असंभव हो गया, क्योंकि उस वक्त 3 ब्रिगेडियर, 2 फुल कर्नल, 173 ऑफिसर, 290 जेसीओ और 8000 पाकिस्तानी हाथ सरेंडर करके सरेंडर किया। पाकिस्तान की 2 ब्रिगेड होंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, 2 ब्रिगेड एंड द सिलेक्ट गैरिसन, वी केम टू अ परसेंटेज ऑफ वी वर फाइटिंग 1:16। वाओ, तो ये सही है कि भारतीय जितने सैनिक हैं, एक एक 100-100 पे भर। लैंड माइन पड़ा हुआ था जिसके ऊपर आप स्टेप कर गए। ऐसा हुआ था कि इन दी बैटल ऑफ सिलेट में हमारे पास, आपको मालूम है कि आर्टिलरी नहीं थे, दुश्मन का तोपखाना जो थे हमारा एमआई रूम को बर्बाद कर दिया। तो एमआई रूम मतलब मेडिकल इंस्पेक्शन, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज, जो आरएमओ होता है, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, और मेडिसिन दवाई शवाई और इंस्ट्रूमेंट्स, वो दुश्मन की गोलाबारी से वो सब बर्बाद हो गए। तो जब मैं जख्मी हुआ तो मेरे पास कुछ नहीं थे, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कुछ मुआवजा देना।
पेन किलर, उसने बोला मेरे पास नहीं है. मैंने बोला फिर पेटिसिन देना, उसने बोला मेरे पास नहीं है. मैंने पूछा फिर इसको काटने के लिए कुछ लाओ, तो उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है. मैंने बोला जाओ ढूंढो लैब. तो आधा घंटा के बाद तो मैंने अपना बैटमैन से बात किया. बैटमैन मेरा सहायक, मतलब हेल्पर. तो मैंने उससे पूछा कि भाई मेरा खुखरी कहाँ है. तो उसने बोला यहाँ है साहब. मैंने बोला इसको काटो. तो उसने नेपाली में मुझसे जवाब दी कि साहब मैं नहीं कर सकता हूँ, आप डॉक्टर साहब के इंतजार करो. मैंने बोला आधा घंटा हो गया अभी तो आया नहीं, दे दो मुझे. तो मैंने अपना टांग को काट लिया और मैंने बोला अभी उसको बैरिएट. डॉक्टर साहब आए बोले क्या किया आपने. मैंने बोला आपने कुछ नहीं किया. तो मैंने किया अभी तो मुझे लेक्चर मत देना, उसको बांधे होगी. तो ही टाइट है सब. अभी दुश्मन ने ढाका में सरेंडर हुआ हुई थी. तो मैंने सीओ साहब से बोला कि मुझे हेलीकॉप्टर मंगाओ, मुझे सेंड मी टू अ मिलिट्री हॉस्पिटल इन इंडिया. तो उसने कोशिश की, लेकिन ढाका सरेंडर करने के बाद सब हेलीकॉप्टर वीआईपी को वहां ले गए थे सरेंडर के लिए. तो उस वक्त मैं मेजर था, तो मेरे लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं था. तो मैंने पूछा, सो सीओ साहब ने बोला कि देखो एक दिन तो हो गया है, गैंग्रीन विल सेट इन एंड यू विल डाई. तो मैंने बोला दो रिक्वेस्ट है. उसने बोला क्या रखा है आपका रिक्वेस्ट. मैंने बोला पहला रिक्वेस्ट ये है कि मैं पाकिस्तानी खून ले लूंगा. तो उसने बोला डोंट बी अ फूल. तो मैंने बोला आई एम प्रिपेयर टू डाई अ फूल देन लिव विद पाकिस्तानी ब्लड. तो उसने बोला अच्छा, तो दूसरा रिक्वेस्ट क्या है. मैंने बोला दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि जहां ऑपरेशन हो जाएगा होगा आप वहां उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये डर है कि वो लोग मेरा अच्छा काम भी काट लेंगे. लेकिन ये भी सच है कि जो पाकिस्तानी सर्जन मेजर मोहम्मद बशीर जो मेरा ऑपरेशन किया, वो बहुत अच्छी तरह से काम किया. वो डॉक्टर है और दुनिया में सब डॉक्टर अच्छा काम करते हैं, खराब काम नहीं करते. तो लेकिन मैंने उसको धन्यवाद अभी तक नहीं बोल सका, 50 साल होने वाला है. सर आपकी एक कहानी में कितनी सारी कहानियां छुपी हुई है. आप जिस सरलता से बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई सरलता से सोच भी सकता है कि मेरा पैर माइन की वजह से फट चुका है और मुझे लड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे ये फटे हुए पैर से छुटकारा चाहिए और मैं खुद ही खुखरी लेके मैं उसको काट दूं, एम्प्यूट कर दूं. सर इसके लिए जिगरा चाहिए. सर जमीन ही नहीं, मुझे लगता है कि आपने जीवन में भी बहुत सारी जंग लड़ी है और उसमें से एक है बैटल फिजिकल टेस्ट. जब हम अस्पताल में गए थे आर्टिफिशियल लिम सेंटर में, हमको ये खबर मिली कि देखो भाई आपने जो कुछ किया है बहुत किया है, अभी आप आराम करो. लेकिन हम फौज में आराम करने के लिए नहीं आए थे. आई वॉन्टेड टू गो बैक टू माई ट्रूप्स एंड दे सेड सॉरी यू कैनॉट कम कमांड ट्रूप्स एनी मोर. इसके बाद अगर आप फौज में फौज छोड़ना है, वी विल इनवैलिड यू आउट ऑफ द आर्मी. He will give you educational concession, we will give you agricultural land, we will give you a plot, we will give you a good pension. So why do you want to stay? तो मैंने बोला कि हम फौज में बढ़ती हुई पैसा के लिए नहीं, ये जिंदगी जो फौज की जिंदगी है इसकी कोई बराबर नहीं है पूरे दुनिया में. I want to go back to my troops. इसे नहीं जा सकता है, कोई precedent नहीं है. तो अगर आप if you stay, you can only गेट स्टाफ अपॉइंटमेंट, मतलब फौज में बाबू जी का काम कर लो. मैंने बोला आई नॉट जॉइन द आर्मी टू बी अ स्टाफ ऑफिसर. हमको सर्कुलर मिला कि बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करना है. मैंने बोला मैं हिस्सा लूंगा. तो बाकी लोग तो पीटी कितने आए थे, शॉर्ट शर्ट्स पीटी शूज. मैंने तो क्योंकि लकड़ी का काम थे, मैंने ट्राउजर पहने थे. तो द ऑफिसर इंचार्ज करु साहब ने बोला मेजर वाई आर यू इन ट्राउजर. तो मैंने बोला सर आई हैव गॉट अ वुडन लेग सो आई पुट ऑन ट्राउजर्स. ही सेज यू आर नो मेडिकल कैप्टन. मैंने बोला हाँ सर. तो उसने बोला आप हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि गए साल एक नो मेडिकल कैप्टन ऑफिसर मर गया था. मैंने बोला आप फिक्र मत करना साहब, मैं तो नहीं मरूंगा. एंड इन दैट रेस इन दैट 2 miles रन आई लेफ्ट 7 ऑफिसर्स विद 2 legs बिहाइंड मी. वाओ. सो देन ही सेड वेल डन सर
and well done young man. And he wrote a nice report about me, which went to my boss. That time I was in military operation. So he asked me, apne person command kiya? Maine bola, nahi sir. Kyun? Maine bola, rules bolte hain ki I cannot command battalion. He said, you apply. I will support you. So I applied, he supported me. It went to the vice chief. The vice chief bola, usko mere saath bhej do, my staff officer, I am going to Jammu and Kashmir. To uske saath bhej. The helicopter ne pilot co-pilot hote hain, aur do seats for the commander and the VIP. Mere koi jagah nahi tha. I was doing the cars convoy down below. So aakhri din mein 3 baje subah, mai wahan pahunch gaye the. तो मुझे ये खबर मिला कि मेरा दोस्त जो है उसके को कमान कर रहा है तो मैंने बोला उससे मिलना चाहिए अबाउट 4000 फीट आई क्लाइम आई हैड ब्रेकफास्ट विद हिम एंड आई डिडंट थिंक मच अबाउट इट आई न्यू आई कुड क्लाइम आई क्लाइम तो जब हेलीकॉप्टर नीचे उतरा तो उस वाइस चीफ ने बोला आप इधर कैसा आया उसने शायद सोचा कि मैंने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया तो मैंने बोला आई क्लाइम ही सेड यू कैन क्लाइम So when we went back to Delhi, he told the chief that this man can walk, he can run, he can climb, he can swim. What is the problem? Why can't he command a battalion? So chief ne bola, mere saath bhej do main Ladakh ja raha hu. So I went with him. I climbed over snow and ice. So wapas aaya, usne bola, iska file banao. Aur he said, give him a battalion and other war wounded officers who are not taking shelter of their wounds. Wow. So that is how I'm the first battle casualty to command a battalion. And from there after, sir? After that, they were not promoting me in command of a brigade. They said that there is no precedent. So I said, there is no precedent, you can create one. So he said, no, the rules don't permit. So I wrote to the chief and I said, higher standards of physical fitness are required in lower ranks. If I can command a battalion in peace and field, there is no reason why I can't command a brigade. Wow. So, I'm the first officer to command a brigade. So you look absolutely fit. If you don't mind, how young are we, sir, today? I'm going to be 83 this year. Wow! बहुत सारे लोग वहाँ पे देख के राज ढूंढ रहे होंगे कि आपके फिटनेस के राज या फिर आप क्या ऐसा तो खाते हैं जिसकी वजह से अभी तक आप इतने जवान और जोश से भरपूर हैं आप पर आप जैसे अफसर्स के लिए मैं जरूर से कहना चाहूंगी कि इन्हीं के लिए बना है कि न होली न दिवाली ऐसे अफसरों के लिए पहला और आखिरी पर्व है देश की रखवाली थैंक यू सो मच सर इट्स एन ऑनर सर